अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी आलू गोश्त की, सिंपल सी रेसिपी। तो वीडियो को फुल वॉच करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बर्तन को अच्छे से गर्म कर लिया है। उसमें मैंने 1/2 कप डाला है सरसों का तेल। आप चाहें तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें मैं 1 किलो डाल दूँगी मटन, 1 kg। और यहाँ पर मटन को मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से। इसके साथ में ही यहाँ पर 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और 2 यहाँ मीडियम साइज़ की मैंने प्याज को पीस लिया है। अगर आप कुकर में बनाएं तो इसको कट कर कर डालें प्याज को। यहाँ पेस्ट में डाल दूँगी। यहाँ पर 1 बड़े साइज़ का टमाटर भी पीस कर मैं डाल दूँगी। आप चाहें तो टमाटर की जगह दही भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच। मसालों में यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून डाल दूँगी धनिया पाउडर। यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर डालना है। टेस्ट के हिसाब से यहाँ नमक डाल दें। यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक डाला है और 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं डाल दूँगी ज़ीरा। सारे मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद इसको पकने के लिए रख देंगे और यहाँ पर पानी डालकर इसे पकने के लिए रखेंगे जिसमें गोश्त अच्छे से गल जाए। ये सबसे ईजी मेथड है आलू गोश्त बनाने का। अगर और भी जल्दी आपको बनाना है तो आप इसे कुकर में बना सकते हैं। इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है और इसे ढककर पकने के लिए रख देंगे। 40 से 45 मिनट के अंदर ये गोश्त गलेगा और उसके बाद आप चेक कर लें। अगर नहीं गले तो थोड़ी देर इसे और पका लें। 40 मिनट बाद इसको खोलकर देख लेंगे। और अब मसाले को अच्छे से भूनना है। मसाले को भूनते हुए यहाँ पर मैं डाल दूँगी 5 आलू मैंने लिए हैं और ये मीडियम साइज़ के आलू हैं। इनको 2 पीसेज में मैंने कट कर लिया है और वो भी इसमें डालकर भून लेंगे। इसके साथ में ही इसमें 3 से 4 हरी मिर्च भी डाल देंगे। अगर आपको आलू और ज़्यादा डालने हैं तो आप इसमें 3 से 4 आलू और बढ़ा सकते हैं। आलू डालने के बाद इसे 10 से 15 मिनट तक अच्छे से भून लें, जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता है। इसे तब तक हमें भूनना है और मसाले की जो कच्ची सी स्मेल है वो भी जानी चाहिए इसमें। बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे भूनें ताकि मसाला नीचे से लगे नहीं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और उसके डालने के बाद 1 से 2 बार इसे और चलाकर अच्छे से भून लेंगे। 15 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1/2 कप हरा धनिया चॉप्ड करके इसमें डाल देंगे। 1/2 कप इसमें हरा धनिया डाल देंगे चॉप्ड करके। आलू अगर थोड़े कच्चे रह जाएं, वैसे तो भूनते हुए ही अच्छे से गल जाएंगे, तो आप इसे 5 मिनट तक और कवर करके रख सकते हैं। सर्व करें चावल या चपाती के साथ। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।